सो गाइस, यहाँ स्वागत करता हूँ आप सबका गोल मार्क में। जी हाँ गाइस, ये इसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि यहाँ बर्फ़ के टाइम में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है। लोग यहाँ पर स्केटिंग्स वगैरह सब चीज़ करते रहते हैं। अभी फिलहाल बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ है वहाँ पहाड़ पर। अपना नेक्स्ट वीडियो में देखा कि हम लोग हिचहाइक करके गए थे वहाँ पर ही। सो थोड़ा सा मैं बता दूँ तो हम लोग गोलमार्ग आए, ऑलमोस्ट खर्चा हुआ 70 रुपये से 80 रुपये तक पर पर्सन एक आदमी का, तो बहुत सस्ता है। अगर आप सोमो में से आते तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता। बाकी यार अभी टाइम हो रहा है 6:10 और यहाँ कैंपिंग करेंगे। जी हाँ, अभी यहाँ पर धूप है और बहुत ज़्यादा धूप है। कैंपिंग करने के लिए मेरा मन है वहाँ पर, और वो बंदे जा रहे हैं वहाँ कैंपिंग करने के लिए। बट जो मेरे साथ में है अंकल, वो बोल रहे हैं कि वहाँ साइड में करेंगे, क्योंकि वहाँ दुकान वकान पास में अगर कुछ हुआ तो चले जाएंगे। अब ऑब्वियसली यार, मतलब बुरे इंसान है तो थोड़ा डर उनको लग रहा है, क्योंकि लाइफ में कभी टेंट वगैरह देखे नहीं है, कभी टेंट वगैरह में रहे नहीं है, सोए नहीं है। अगर मैं अकेला रहता तो जहाँ मन तहाँ मैं सो जाता। खैर यार, इनकी भी रख लेते हैं बात, लगाते हैं टेंट, गोलमार्ग में टेंट करेंगे। सो आज इस वीडियो में आप देखोगे कि गोलमार्ग में हम लोग कैसे टेंट कर रहे हैं और क्या सीन होता है हमारे साथ, क्या नहीं होता, सब चीज़ आप सबको मिलेगा इस वीडियो में। सो चैनल पर नया हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करो यार। सो चलो यार, टेंट लगाते हैं। सो भाई, मैं कैंपिंग करने के लिए सामान तो घर से लेके आया हूँ, पोया हुआ और भी मतलब मसालों वसालों सब चीज़ लेके आया हूँ मैं घर से, अपना चीनी नहीं सॉरी चाय पत्ती वगैरह सब लेके आऊँ। सिर्फ नहीं लेके आया, लाल मिर्च का पाउडर लेके नहीं आया हूँ मैं, और चीनी लेके नहीं आया हूँ मैं, और तेल लेके लिया हूँ। तीन चीज़ नहीं लेके आया हूँ, तीन चीज़ यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। चावल तो मिल जाएंगी, बट सोयाबीन वोबीन सब चीज़ लेके आऊँ। बट देखता हूँ रात को हो सका तो मैगी बना के खा लूँगा, मैगी और ब्रेड खरीद लूँगा बाहर से, और चाय वगैरह बना लूँगा मैं। और अंकल को पता नहीं अंकल क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वो तो बोले हैं मैं होटल वगैरह में खा लूँगा। यार देखते हैं, बजट में ट्रैवलिंग करनी है तो थोड़ा सा सिमट के रहना पड़ेगा भाई। सो चलो यार भाई, टेंट लगाने के लिए जगह तो मिल गया अपने को, अब है सामान खरीदने की बारी। सो भाई, अपनी टेंट लग गई है, ये रही भाई, ऑल इंडिया सोलो ही चाइकिंग सद्दाम दे। और ये मैगी ले लिया, उसमें केला है खाने के लिए, दो बोतल पानी, और लगेगा तो दुकान सामने ही है। सो ऐसा कुछ है, सुबह इधर भी ऑल इंडिया सोलो ही चाइकिंग सद्दाम दे, ये अपना रास्ता हुआ। ये अंकल थोड़ा सा डरा रहे, घबरा रहे, कभी कैंपिंग नहीं किए ना, कभी नहीं किए ना कैंपिंग, थोड़ा इनको डर लग रहा है, सारा चीज़ हो गया। चलो अब सो भाई, ये रही अपनी टेंट, और यहाँ से भाई अंदर दो आदमी के लिए है। ये भाई सामने माउंटेन, सुबह का व्यू बहुत तगड़ा होगा, खाना वाना बनानी है। और हाँ, जो चाचा थे उनको डर लग रहा है, कभी लाइफ में किए नहीं ये सब चीज़, तो गाड़ी आने को बोल रहे, तो मैं बोला कि मन है तो चले जाओ भाई, जाने वाले कोई रोक सो ही सकता है, जाना है तो जाओ भाई, हम तो यहीं रहेंगे भाई, हम यहीं रहेंगे, कैंपिंग करेंगे भाई। होटल का खर्चा यहाँ 4,000-5,000 रुपये से स्टार्टिंग है, मिनिमम आएंगे तो 3,000 रुपये एक दिन का रूम का किराया रात का। भाई यहाँ फ्री में रह रहा हूँ मैं, देखो बस खाली खर्ची हुई तो 40 रुपये के 4 केले, 40 रुपये की 4 मैगी, और 20 रुपये की 2 बोतल, 120 रुपये टोटल खर्चा हुआ है मेरे। सो भाई यार, हवा हुआ चल रही है, अगर चला चले जाएंगे तो स्लीपिंग बैग है मेरे पास, मैं उसको लेकर सो जाऊंगा, उम्मीद है कि चला चले जाएंगे तो फिर मैं सो जाऊंगा आराम से। आएंगे वो, अभी गए हैं कुछ खाने होने के लिए, आएंगे खाओ कर, हम तो भाई अपने टेंट में रहेंगे। थोड़ा सामान वामान निकाल ले भाई। चलो यार, फ़ोन को भी चार्ज लगाना, कैमरे को चार्ज लगाना। चलो मिलते हैं आप सबको थोड़ी देर बाद। सो अभी टाइम हो रहा है रात को 8:20, हम लोग तरफ से सफ़र रात को 8:20, बट अभी यहाँ सूरज डूबा नहीं है, और सिर्फ डर लग रहा है ये घोड़े उड़े हैं ना, तो टेंट वगैरह में आकर ना गिर जाए, या फिर भागे उगे तो टेंट वगैरह ना तोड़ दें। बाकी यार ठंडी यहाँ दबा करे भाई, ठंड लगना चालू हो गया भाई। अब निकालूंगा अपना स्लीपिंग बैग, रात को ही खाना बनाऊंगा भाई, थोड़े आगे भी ताप लूंगा, अभी तो कुछ खाने नहीं है, रात में लीचे खाएंगे 9-10 बजे समथिंग कुछ खाएंगे भाई, तो
देखे अंकल अगर जाएंगे घर चाचा तो चले जाए, और नहीं जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं है। सो यार बाहर भाई बारिश आएगी, ठीक है बारिश आएगी बाहर में, तो अभी मैं टेंट बंद करता हूँ भाई, रिक्स नहीं लेना भाई। देखो यार हवा चल रही है भाई, ऊपर ऊपर और बादल देखो, बादल चमक रही है, आपके नज़र आता होगा आप सबको। सो भाई यार जैसा कि आप सबने कल वीडियो में देखा कि हम लोग कैंपिंग कर रहे थे गोलमार्ग के अंदर में, तो एक डेढ़ से भाई बारिश आना चालू हो गया, और बारिश के साथ साथ इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना कि यार मैं क्या बताऊँ। मेरे को मालूम नहीं था कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा बारिश गोलमार्ग के अंदर में होती है। तो फिर वहाँ से 5 मिनट के अंदर में सब सामान पैक किया भाई, जैसे मन तैसे सब पैक किया भाई, बैग में डाला, और बैग में डाल के भाई वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा था भाई। मेरे पास टर्च था, उसको ऑन किया, फिर वहाँ से निकला, और सो कल ट्रैकिंग भी किया था ना, तो थोड़ा सा थक गया था मैं काफ़ी ज़्यादा, तो मतलब चलने का मतलब यहाँ से वहाँ तक जाने का मेरे अंदर एनर्जी नहीं बचा था, एकदम पूरा सांस फूल रहा था, एकदम अभी भी फूल रहा है, आप सबको लग ही रहा है भाई, क्योंकि पहाड़ चढ़ रहा हूँ मैं अभी, और पहाड़ पे हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो वहाँ से जस्ट जल्दी जल्दी पैक करके फिर वहाँ से आया, भागा, भाग के आया दुकान पर जहाँ पर मैं बैग रखा था। तो भैया जाने वाला था अपने घर पे, तो वहाँ का नियम होता है कि अगर कोई भी आ गया, मतलब टूरिस्ट आता है और शाम को 4 बजे तक वो गोलमार्ग से बाहर नहीं जाता, तो फिर अगले दिन सुबह 4 बजे जाना पड़ता है, मतलब वहाँ रहना पड़ता है, चेकिंग वगैरह वाला दबा कर चलता हूँ वहाँ पर। तो भैया बोले कि आर्मी वाले कुछ भी बोलेंगे मैं बात करूँगा, तुम चुप रहना, जब मैं तुमको बोलूँगा बोलने के तो तुम बोलना मैं इसके घर पर रहता हूँ, मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, ऐसा बोल देना उन लोग को। तो भाई आर्मी वाले रोके, जैसे जैसा भैया बोले तो भैया वो बात किए, मतलब कश्मीरी लैंग्वेज में बात किए, और मेरे से पूछा गया तो मैं बोल दे मैं इनके घर पर रहता हूँ। तो भैया रात को 1 बजे समथिंग कुछ आए यहाँ पर, आके मेरे को मेरे घर, मैं जहाँ पर पहले रहता था मेरे दोस्त के बहन के घर पर, वहाँ पर ला कर भैया मेरे को छोड़ के चले गए। तो इतना कुछ कर दी अनजान आदमी, इतना कुछ कर दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई। तो चलो आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते, मिलते हैं आप सबको फिर से एक नई जगह एक नए लोग के साथ, तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखें, और चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो यार भाई, चलो और मिलते हैं भाई।